तो बाकी तलघर जैसे ही है। दिखा रही थी ये इनकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है। हाँ ये है मेरे नैनी। तो फिर ये बजाती थी गान जो, तो बहुत अच्छा कर देती है। ये पुराने उसी समय के रखे हुए हैं वाद्य यंत्र। ये देखिए ये मृग नैनी ने इसको रचा था, मतलब संगीत के अनुसार तानपुरा वो बजाती थी। देखो ये बैजू बाबरा है नहीं ना, बैजू बाबरा, और ये तानसेन है। ये तानसेन की मूर्ति यहाँ पे, पुरानी फोटो है ना, वो है ना, ठीक है। ये बैजू बाबरा और एक तानसेन गज्जा, और ये सारंगी है, और ये सितार, ये बाद पुराने बहुत ही सुंदर। ये देखो ये बैजू बाबरा है, इन्होंने खुद मतलब इनकी संरचना भी की, लिखा देखो ये पुराने ऐसे ये राग ऐसे पढ़ते थे। कृष्ण नारायण तेलंग ये भी बहुत प्रसिद्ध भारत के संगीतकार थे। ये देखिए ये हारमोनिया पैर हाथ दोनों से चलता था, पुराना तरीका ना। ये जो लोग हैं ये ग्वालियर घराने में जिन्होंने संगीत की रचना की, ग्वालियर घराने में संगीत की रचना, संगीत के लिए ग्वालियर घराना फेमस भी है। गजब ये पुराने वाद्य यंत्र। ये बसता है अभी अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में बसता है। दिलरुबा यंत्र अभी भी बसते हैं, वो गाना था ना अफगान जलेबी वाला, उसी में। ये देखो ये एक राज वाद्य यंत्र है, ये गिटार जैसे, और ये एक तारा कि एक तारा बोले हो कि एक तारा बोले वाला था। गजब ये ग्वालियर के अंतर्गत जो संगीत वाद्य यंत्र ग्वालियर में बजाए जाते थे उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ग्वालियर घराना म्यूजिक के लिए बड़ा फेमस था, तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं और बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र हैं, इनको देखना चाहिए था। तो हम लोग इनको देखने के लिए आए, और ये गुजरी महल मृग नैनी महल जिसको जानते हैं वहाँ पर इनको देखा गया है। तानसेन बैजू बाबरा ने ग्वालियर घराने की नींव रखी, और मुग़ल काल में काफ़ी फेमस रहा ग्वालियर घराना। आज ही म्यूजिक में ग्वालियर घराने का नाम बड़ा अच्छा है, तो ये संगीत सुनाई दे रहा है, ग्वालियर घराने से ही निकला है।